বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্কের সমর্থনের কথা জানালেন দার্জিলিং এর কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং। মঙ্গলবার ভিডিও প্রকাশ করে রাজু বিস্কের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন তিনি। দার্জিলিং এ মুনিশ তামাংকে কংগ্রেস প্রার্থী করার পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিনয় তামাং, এমনকি পাহাড়ে কংগ্রেসের হয়েও প্রচারে নামেননি তিনি। মঙ্গলবার বিনয় তামাং পাহাড়বাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে জানান, পাহাড়ের সকলের কাছে আবেদন করছি 26 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করুন এবং তাকে জয় করুন। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসতে চলেছে, 2026 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসবে, যে কারণেই তাকে সমর্থন করছি। आगामी 26 अप्रैल में होने जा रहा है आम चुनाव है सेकेंड फेज का, उसको देखते हुए दार्जिलिंग पहाड़ वासियों, सिलगढ़ी समतल वासियों और डुवर्स वासियों को और गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनका हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से है श्री राजु बिस्की जी, उनको मैं समर्थन करता हूं। और जितना भी पहाड़वासी हैं, सिलगढ़ी समतल वासी हैं और मेरा जो समर्थक है, मेरा सहयोगी है, जो मेरा दोस्त लोग है, जो मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और जो मेरा आज तक मेरा राजनीतिक यात्रा में साथ दिया था, और आम नागरिक को मैं अपील करता हूं कि आने वाला 26 अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी को और उनका उम्मीदवार श्री राज बिस्की को अपना वोट डालें और विजय बनाए। इसका मूल कारण यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है और ये भी संभावना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। और जो भी दार्जिलिंग पहाड़ का, सिलगढ़ी समतल का, डुवर्स का अभी तक का जो भी है राजनीतिक न्याय की बात हम कर रहे हैं और संवैधानिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस सब न्याय दिलाने के लिए अब जो आने वाला सरकार है उनको ही सपोर्ट करने के लिए यह निर्णय लिया है। और मैं मानता हूं कि जो पहाड़ में भ्रष्टाचार है, जो नेपोटिज्म है, उसको भी खत्म करना है साथ ही साथ। तो इस सभी वस्तु स्थितियों को देखते हुए ये हम लोग ने निर्णय लिया। और फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि आने वाला 26 तारीख अप्रैल में जो होने जा रहा है दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है श्री राज मिश्रा जी, उनको हम लोग समर्थन करेंगे और उनको वोट डालेंगे। এখনকার মতে এ পর্যন্তই, চোখ রাখুন ডিজিটাল বাংলার পর্দায়, আগে ভাগে সবার আগে।